Good morning, students. Welcome to the online classes of City Women's College. And today here in this video, we will further continue the topics which we started yesterday. कल हमने planning topic start करा था. Planning जिसमें हमने school planning के बारे में यानी विद्यालय नियोजन के बारे में समझा था. अब आज हम उसी topic को आगे बढ़ाते हुए जो उसमें further टू रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उसको हम समझेंगे. यानी आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग की एंड बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग की. ठीक है, आज हम नियोजन के क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में समझेंगे और क्या फ़ायदे हैं ये भी देखेंगे. ओके, तो बिफोर वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेनिफिट्स, लेट अस जस्ट स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग प्लानिंग. एक बार हम याद कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं कि आखिर नियोजन क्या है, प्लानिंग क्या है. सो इन द येस्टरडेज वीडियो व्हाट वी लर्नड वाज कि प्लानिंग इज़ अ फ्यूचर ओरिएंटेड एक्टिविटी. जो प्लानिंग है वो एक फ्यूचर ओरिएंटेड एक्टिविटी है. ठीक है, जो हम भविष्य को ध्यान में रखते हुए हम प्लानिंग करते हैं. ठीक है, और इट इज़ समथिंग विच इज़ हाई इंटेलेक्चुअल टास्क. हमारा ये जो पूरा प्लानिंग का कॉन्सेप्ट है, नियोजन का ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही हाई मेंटल लेवल एक्टिविटी है क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क है. कल हमने बात भी करी थी कि प्लानिंग जो है इट इज़ नॉट ओनली अबाउट कि आपने बस देख लिया आपको क्या करना है और आपने बस शुरू कर दिया. बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं, बहुत सारे स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं. हमने कल स्टेप्स ऑफ प्लानिंग भी पढ़ा था, राइट. तो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग इज़ डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट वी हैव टू डू, हाउ वी हैव टू डू, व्हेन वी हैव टू डू, ठीक है, एंड हु इज़ गोइंग टू डू. यानी हम पहले से यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि क्या काम करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, कब शुरू करना है. ऑल दीज क्वेश्चंस आर बीइंग आंसर्ड विद द हेल्प ऑफ अ प्रॉपर प्लानिंग. जब हम अच्छे तरीके से प्लान करते हैं तो इन सारे सवालों के जवाब हमें मिल जाते हैं. ठीक है, नाउ फिर हमने जब स्टेप्स की बात करी थी, प्रोसेस की बात करी थी, तो हमने देखा था कि सब जब हम प्लान करते हैं किसी भी चीज़ को तो सबसे पहले व्हाट वी फाइंड आउट इज़ कि आखिर हमारे पास क्या चीज़ें हैं, क्या मौजूद हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू अ सर्वे ऑफ ऑल दोज थिंग्स विच वी हैव. हमारे पास जो कुछ भी है या हम किस लेवल पर हैं, ये इन चीज़ों का हम सर्वे करते हैं. वंस दैट सर्वे हैज़ बीन डन, वी शिफ्ट टूवर्ड्स द रिसोर्सेज. हमें जो रिसोर्सेज चाहिए वो हम एलोकेट करते हैं. ठीक है, फिर हम ये अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स जो हैं कि हम वो जो एक्टिविटी कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, किस पर्पस से कर रहे हैं, उन एक्टिविटीज़ को, उन गोल्स को हम सेट करते हैं. और फिर हम अपने प्लान को एक्शन में लेकर के आते हैं जहाँ पर ऑल दोज रिसोर्सेज विच वी हैव एलोकेटेड उसको हम इनिशिएट करते हैं, एक्शन में उसको हम पुट करते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं. एंड किस तरीके से हम ये पता करते हैं कि हमारा जो प्लान है वो सक्सेसफुल हो रहा है या नहीं? इवैल्यूएशन के थ्रू. यस, हम इवैल्यूएट करते हैं. इवैल्यूएशन जब, यानी मूल्यांकन जब हम करते हैं, तो हमें ये समझ में आता है कि आखिर हमारा जो प्लान है एज़ पर द स्टैंडर्ड्स जो हमने पहले से डिटरमाइन करे हुए हैं उन्हीं के हिसाब से हो रहा है या नहीं हो रहा है. अगर हो रहा है तो अच्छी बात है, विच मीन्स एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन एज पर द प्लान. बट अगर नहीं हो रहा या कोई कमी निकल आई या कोई चेंज आपको करना है या कुछ भी डिफेक्ट अगर निकल आया तो वो आपको इवैल्यूएशन के थ्रू पता चल जाएगा. और जब वो पता चल जाएगा तो आप अपने प्लान को मॉडिफाई करोगे, ऑल्टर करोगे, ताकि जो है उन कमियों को दूर करके आप फिर से स्मूदली सारी एक्टिविटीज़ को कैरी ऑन कर सको. सो दिस इज़ हाउ दिस प्लानिंग वर्क. नाउ जब हम स्कूल प्लानिंग की बात करें, यानी प्लानिंग के ही कॉन्सेप्ट को अगर आप स्कूल में अप्लाई कर रहे हो, और स्कूल जो कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इतना बड़ा एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे हर एक लेवल पे आपको प्लानिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, एंड यू हैव टू डू इट एवरी सिंगल डे. आपको हर दिन प्लान करना है, और चाहे वो टीचर्स हों, प्रिंसिपल हों, स्टूडेंट्स हों, सबको अपने अपने लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग करनी पड़ती है इन ऑर्डर टू डू द वेरियस एक्टिविटीज़. ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की. ठीक है, हम कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताओं को जब समझेंगे तो आपको और भी अच्छे से नियोजन के बारे में या प्लानिंग के बारे में समझ में आएगा. ठीक है, ओके. सो हेयर ऑन योर स्क्रीन द फर्स्ट पॉइंट इज दैट प्लानिंग इज गोल ओरिएंटेड.
जो प्लानिंग है वो गोल ओरिएंटेड होती है, यानी हमेशा हमारे लक्ष्य की तरफ ही वो इशारा करती है, और हमेशा प्लानिंग अपने लक्ष्य को या अपने गोल को, उद्देश्यों को अचीव करने के लिए ही करी जाती है. नाउ देयर आर सर्टेन सब पॉइंट्स गिवन अंडर दिस मेन पॉइंट, उसको हम देखते हैं. जैसे क्या लिखा है कि प्लानिंग इज़ मेड टू अचीव डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस. बिजनेस का मतलब यहाँ पे केवल जो है आप कंपनीज वगैरह से ही मत समझिएगा, ठीक है. इट इज़ रिलेटेड टू द स्कूल ऑल्सो, कि स्कूल रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से समझिएगा कि प्लानिंग जो है, जो भी हमने हमारे इंस्टीट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए हम प्लानिंग करते हैं, ठीक है. देन प्लानिंग से क्या होता है कि जो भी एफर्ट्स करे जा रहे हैं आप उनको गाइड कर सकते हो, ठीक है. सबको पता होता है कि उन्हें किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से, किस डायरेक्शन में उन्हें मूव करना है. अदरवाइज़ क्या होगा, इफ़ देयर विल बी नो प्रॉपर प्लानिंग डन, एवरीवन विल बी कंफ्यूज्ड, किसी को पता ही नहीं होगा कि क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है. सो विद द हेल्प ऑफ द प्लानिंग यू कैन डायरेक्ट एवरीवन, सबको आप एक गाइडेंस दे सकते हो, ठीक है. प्लानिंग जो है वो लोगों के एक्शंस को डिज़ायर्ड गोल्स की तरफ इनिशिएट करती है, ठीक है. सबके एक्शंस को, सबके एफर्ट्स को वो उस दिशा में लेके जाती है जहाँ पे हमें वो रिजल्ट मिल सके जो हमें चाहिए, ओके. एंड देन व्हाट हैपन नेक्स्ट है आपका कि प्लानिंग इज़ लुकिंग अहेड. लुकिंग अहेड मतलब सामने की तरफ देखना. हमने जब मीनिंग पढ़ी थी तो हमने एक बात करी थी कि प्लानिंग जो है वो फ्यूचर ओरिएंटेड टास्क है. फ्यूचर मतलब भविष्य, आने वाले समय की बात हो रही है. हम अपने पास्ट को लेकर प्लानिंग नहीं करते, या जो हम प्रेजेंट में कर रहे हैं उसे लेकर के प्लानिंग नहीं करते. भाई जो काम कर रहे हैं वो तो चलता रहेगा ना, वो तो हम कर ही रहे हैं. आपको जो भी चेंज करना है वो फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, कि अगर आज आप ये काम कर रहे हो, आपने देखा कि नहीं भाई ये तरीका अच्छा नहीं है, तो आप इसमें क्या चेंज करोगे, ठीक है. या कल से या नेक्स्ट टाइम से मैं इस काम को दूसरे तरीके से करूँगा, तो वो तो मतलब आने वाले टाइम की बात कर रहे हो ना. तो प्लानिंग इज़ लुकिंग अहेड, हमेशा आगे की तरफ को इशारा करती है. इट इज़ ऑलवेज डन फॉर फ्यूचर. पहला पॉइंट देखिए लिखा भी है कि हम हमेशा फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए प्लानिंग करते हैं, ठीक है. इट रिक्वायर्स पीपिंग इन फ्यूचर, एनालाइजिंग इट एंड प्रिडिक्टिंग इट. मतलब हम पहले से ही जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, जो प्रोज और कॉन्स होते हैं, सबको हम देखते हैं, समझते हैं. हम अपने सक्सेस और फेलियर के पॉइंट्स को मेजर करते हैं. एवरीथिंग इज़ डन. देन प्लानिंग इज़ बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग. फोरकास्टिंग मतलब प्रिडिक्शन, पहले से ही प्रिडिक्ट करना या पहले से ही बताना. जैसे एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक एग्जांपल लें. जैसे आप जब टीचर जब आप होते हो और आप पढ़ा रहे होते हो, और आप क्योंकि बच्चों के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हो, तो एज अ टीचर आप बच्चों के परफॉर्मेंस के हिसाब से आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, ठीक है. आप बता सकते हो कि कौन से बच्चे जो है अच्छा परफॉर्म करेंगे, किन के चांसेस ज़्यादा हैं और किन के कम हैं, ठीक है. क्योंकि आपने उनको थ्रू आउट द ईयर देखा हुआ है कि वो कैसे उन्होंने परफॉर्मेंस करी है, चाहे वो क्लासरूम की एक्टिविटीज़ में हो, चाहे वो टेस्ट में हो, तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, राइट. तो वैसे ही जब हम पूरे ओवरऑल एक्टिविटीज़ की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं, ओके, कि वो चीज़ें सही से होंगी या नहीं होंगी, राइट. देन अ प्लान इज़ अ सिंथेसिस ऑफ फोरकास्ट. जो भी हम प्रिडिक्ट करते हैं उसको ध्यान में रखते हुए हम प्लान कर दें. जैसे अगर मान लीजिए हमें पता है कि भाई ये काम जो है गड़बड़ हो जाएगा, तो अब हमें अगर पता है कि उस काम के गड़बड़ होने के चांसेस हैं, तो वो तो हमारा प्रिडिक्शन हो गया. अब उस प्रिडिक्शन को ध्यान में रखते हुए वी नीड टू मेक द प्लान्स, और वी नीड टू मॉडिफाई आर करेंट प्लान, ताकि वो गड़बड़ होने के चांसेस कम हो जाए या ना हो, ठीक है. देन इट इज़ अ मेंटल प्री डिस्पोजिशन फॉर थिंग्स टू हैपन इन फ्यूचर. अगेन इट इज़ अ मेंटल एक्टिविटी. और ये एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स क्यों है, क्योंकि पहली चीज़ यू नीड हाई इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज टू अंडरस्टैंड ऑल द प्रोज एंड कॉन्सिक्वेंसेज, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड जो भी चीज़ें हो सकती हैं, जो मेजर्स हो सकते हैं, ठीक है, फेलियर और सक्सेस के जो चांसेस हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम अपनी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी का यूज़ करते हुए फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए प्लानिंग करते हैं, ठीक है. फिर है प्लानिंग इज़ एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस. जो अभी तक हमने अभी समझा है कि प्लानिंग क्या है, वो एक मेंटल एक्सरसाइज है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं. क्रिएटिव थिंकिंग, भाई आपको अपना प्लान अलग बनाना है दूसरों से, आपको अपना प्लान जो है बहुत ही इन्हांसिंग बनाना है, पॉजिटिव बनाना है, इन्फ्लुएंशियल बनाना है. क्रिएटिव होना चाहिए उसके लिए, आपकी जो थिंकिंग है वो क्रिएटिव होनी चाहिए. साउंड जजमेंट एंड इमेजिनेशन, ठीक है. साउंड जजमेंट मतलब कि आप चीज़ों को सही तरीके से देख पाओ, समझ पाओ. ये नहीं कि आप देख रहे हो कि हाँ चीज़ें गलत हो सकती हैं, बट स्टिल यू आर लाइक कि नहीं हमें करना है तो हम ऐसे ही करेंगे वरना नहीं करेंगे. यू शुड हैव अ प्रॉपर विजन, ठीक है, जहाँ पर आप न केवल अपनी कमियों को भी देख पाओ, ठीक है,
बल्कि सारी चीज़ें समझ पाओ। हर एक चीज़ को आपको ढंग से बैलेंस करके, नाप तौल के ही आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। एंड यू शुड बी वेरी इमेजिनेटिव ऑल्सो। आप इमेजिनेटिव होगे तो क्रिएटिव भी होगे। इट इज़ नॉट अ मियर गेस वर्क बट अ रोटेशनल थिंकिंग। प्लानिंग कभी गेस वर्क नहीं होती है, ठीक है? तुक्के में काम नहीं होता यहाँ पे कि नहीं चलो ऐसे करके देख लेते हैं, या एक बार अगर चीज़ जो है आपकी गेस में हो गई तो आप बार बार वही चीज़ कर रहे हो। बहुत अच्छे से लॉजिकली सोच के आपको सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, ठीक है? नाउ अ मैनेजर, नाउ दैट मैनेजर कैन बिलोंग टू एनी स्कूल, एनी कंपनी, एनी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? तो जो भी मैनेजर होता है, जो सारी चीज़ें, जो एक्टिविटीज़ मैनेज करता है या प्लान करता है, दे शुड हैव साउंड प्लान्स। उनके पास न केवल साउंड प्लान्स होने चाहिए बल्कि साउंड जजमेंट होना चाहिए। वो चीज़ों को ढंग से देख सकें, जज कर सकें। फोरसाइट एंड इमेजिनेशन। फोरसाइट मतलब दूर की दृष्टि होनी चाहिए। दूर की दृष्टि का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? कि भविष्य को वो देख के प्रिडिक्ट कर सके कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, क्या चांसेस सही चीज़ होने के हैं या गलत होने के हैं, ये सारी चीज़ें। प्लानिंग इज़ ऑलवेज बेस्ड ऑन गोल्स, फैक्ट्स एंड कंसिडर्ड एस्टिमेट्स। जो हमारे प्लानिंग होती है, जो हमने गोल्स अपने बना रखे हैं, उस पर बेस्ड होती है। जो फैक्ट्स होते हैं या जो हमने एस्टिमेट्स, अंदाजे बना के रखे होते हैं कि भाई ये मतलब सही या गलत के जो चांसेस हैं, उनके बीच का जो हमने एस्टिमेट बना के रखा है, उन सबको ध्यान में रखते हुए प्लानिंग होती है, ठीक है? नेक्स्ट वी हैव प्लानिंग इन्वॉल्व्स चॉइस एंड डिसीजन मेकिंग। अब प्लानिंग में हमें डिसीजन मेकिंग की भी प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, हमें निर्णय भी तो लेना होता है। प्लानिंग एसेंशियली इन्वॉल्व्स चॉइस अमंग वेरियस ऑल्टरनेटिव। जैसे मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हो, अब किसी भी काम को करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। अब आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप उसमें से जो सही ऑप्शन है उसको आप चूज़ करें। जैसे मान लीजिए आपको कोई प्रोजेक्ट दिया गया काम करने के लिए, या मान लीजिए स्कूल में कोई फंक्शन है, ठीक है? उस फंक्शन को ऑर्गेनाइज़ कराने के बहुत से तरीके हो सकते हैं, बट आपने कौन सा तरीका चूज़ करा जो उस फंक्शन को सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल बना सकता है, ठीक है? क्योंकि आपके पास ऑप्शन तो बहुत सारे होंगे। अगर आपके पास किसी काम को करने के लिए चार ऑप्शन भी हैं, तो उन चार में से बेस्ट कौन सा ऑप्शन है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा। क्योंकि गलत डिसीजन अगर आप लोगे तो ऑब्वियसली गलत इम्पैक्ट पड़ेगा आपके काम पे, ठीक है? देयरफॉर इफ़ देयर इज़ एनी वन पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन, देयर इज़ नो नीड प्लानिंग बिकॉज देयर इज़ नो चॉइस। दस डिसीजन मेकिंग इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्लानिंग। डिसीजन मेकिंग जो है वो प्लानिंग के साथ साथ चलता रहता है। आपको हर मोमेंट पे डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या सही है, क्या गलत है, राइट? अगर आपको अपने प्लान में कुछ मॉडिफिकेशन भी करने पड़ जाए किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, अपने आपको अपना नियोजन जो है, जो प्लानिंग है, उसको कुछ चेंज भी करना पड़ जाए, तो भी वहाँ पे आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, ठीक है? देन अ मैनेजर इज सराउंडेड बाई नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। जो भी मैनेजर होता है उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। नाउ ही हैज़ टू पिक द बेस्ट डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट्स एंड रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आई वुड लाइक टू यूज़ द वर्ड ऑर्गेनाइजेशन ओवर हेयर इंस्टेड ऑफ इंटरप्राइजेस, क्योंकि हम स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं। तो जो एक मैनेजर होता है उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, बट ये उसके साउंड जजमेंट पे बेस्ड करता है कि आखिर अपने रिक्वायरमेंट्स, अपनी नीड्स, अपने रिसोर्सेज को जो उसके पास उस मौजूदा टाइम पर हैं, अवेलेबल हैं, उनको ध्यान में रखते हुए कौन सा बेस्ट ऑल्टरनेटिव वो या बेस्ट ऑप्शन वो चूज़ करेगा। इसके लिए भी उसको हमेशा डिसीजन लेना पड़ता है। फिर वी हैव प्लानिंग इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। नियोजन जो है वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जो हमने कल भी बात समझी थी कि ऐसा नहीं कि आपने हफ्ते भर की, महीने भर की प्लानिंग कर ली और फिर आप साल भर के लिए आपको छुट्टी हो गई, ऐसा नहीं होता। ये हमेशा हर दिन आपको प्लानिंग करनी है। जैसे फ्रॉम अ व्यू पॉइंट ऑफ अ टीचर, अगर आप एक टीचर के नज़रिए से देखो तो आपको हर एक दिन लेसन प्लानिंग करनी है। क्या बच्चों को पढ़ाना है, जो भी आपने टॉपिक डिसाइड करा है वो आप कैसे पढ़ाओगे, क्या होमवर्क दोगे, कैसे क्वेश्चन पूछोगे, ठीक है? तो आप तो वहाँ पे रेगुलर प्लानिंग कर रहे हो ना, वैसे ही आपके स्कूल के हर दिन सारी एक्टिविटीज़ अच्छे से हों, स्मूदली सारे फंक्शंस हो, उसके लिए आपको हमेशा प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो प्लानिंग जो है वो एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है जो हमेशा चलती रहती है, ठीक है? और प्लानिंग जो है हमेशा हम फ्लेक्सिबल होकर के ही करते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि कभी भी कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो सकता है। तो आपको तुरंत आपको अपनी प्लानिंग जो है वो फ्लेक्सिबल रखनी चाहिए, ताकि कोई भी अगर चेंज करना पड़ जाए या कोई भी हालात हो जाए तो आप मॉडिफिकेशन कर सको। देन प्लानिंग इज़ ऑल परवेसिव। परवेसिव का मतलब यहाँ पे क्या है कि हर एक लेवल पे प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। भाई आपके स्कूल में भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है?
अलग अलग लेवल होते हैं, जैसे प्राइमरी सेक्शन है, जूनियर सेक्शन है, सीनियर सेक्शन है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। तो हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक सेक्शन में, हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको प्लानिंग करनी होती है। ऐसा नहीं है कि केवल हम सीनियर सेक्शन के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, प्राइमरी और जूनियर सेक्शन के लिए कोई प्लानिंग नहीं हो रही है, या केवल जो है इंग्लिश डिपार्टमेंट या हिंदी डिपार्टमेंट के लिए प्लानिंग हो रही है, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए कोई प्लानिंग नहीं हो रही। ऐसा नहीं होता, स्कूल में हर एक लेवल पे, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, हर एक लेवल के लिए प्लानिंग करी जाती है। ओके, देन प्लानिंग इज़ डिज़ाइन फॉर एफिशिएंसी। प्लानिंग क्यों करी जाती है? ताकि चीज़ों को एफिशिएंट बनाया जा सके, ठीक है, उन्हें इन्फ्लुएंशियल बनाया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट अचीव किया जा सके विदाउट वेस्टिंग मच रिसोर्सेज। हमारे जो संसाधन हैं उनको कम से कम उनका वेस्ट कर सकें हम, और ज़्यादा से ज़्यादा हम फ़ायदा जो है गेन कर सकें, इसलिए प्लानिंग करी जाती है। क्योंकि जब आप प्लान करते हो तो आपको पता होता है आपको अपने रिसोर्सेज कैसे यूज़ करने हैं। अगर कोई प्लानिंग नहीं होगी तो आप अपने संसाधनों का ढंग से इस्तेमाल भी नहीं कर पाओगे। सो फॉर द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज, चाहे वो आपकी मानव संसाधन हो, आपकी जो वर्क फोर्स है, भाई आप प्लान करोगे तभी तो आपको पता होगा ना कि आपको अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे कैसे टास्क देने और कैसे उनसे काम करवाना है, ठीक है। तो चाहे ह्यूमन रिसोर्स हो, फाइनेंशियल रिसोर्स हो, चाहे वो मटेरियल रिसोर्स हो या फिज़िकल रिसोर्स हो, कैसे भी रिसोर्स हो, आपके पास जब प्रॉपर प्लानिंग होगी तब आप उन रिसोर्सेज का अच्छे से इस्तेमाल कर पाओगे बिना उन्हें बर्बाद किए। अगर प्लानिंग नहीं होगी तो ऑब्वियसली यू हैव टू फेस द वेस्टेज। देन प्लानिंग इज़ फ्लेक्सिबल, जो हमने बात करी कि प्लानिंग जो है, जो नियोजन है, वो लचीली होनी चाहिए, लचीला होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि हम फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए प्लानिंग करते हैं और फ्यूचर अनप्रिडिक्टेबल होता है। अनप्रिडिक्टेबल मतलब कि कभी भी कुछ भी हो सकता है ना, ज़रूरी नहीं कि आपने जैसा सोचा हो वैसा ही हो। भाई मान लीजिए आज बहुत गर्मी है, बहुत धूप निकली है, आपको लग रहा है आने वाले कल भी जो है धूप ऐसी ही निकलेगी, चलो एक काम करते हैं, गेहूं वेहूँ धुल के सुखाने के लिए डाल देते हैं, और कल अगर बारिश हो गई तो आप क्या करोगे, है ना। तो वैसे ही प्लानिंग जो है, मतलब फ्यूचर जो है वो अनप्रिडिक्टेबल है, आपको नहीं पता, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो वैसे ही हमें यहाँ पे समझना है कि जो हमारे प्लान्स होने चाहिए वो फ्लेक्सिबल होने चाहिए। फ्लेक्सिबल क्यों होने चाहिए? फ्लेक्सिबल क्यों होनी चाहिए? क्योंकि अगर कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो जाए, कोई ऐसी घटना घट जाए जो आपने नहीं सोची थी, जिसके लिए आप नहीं तैयार थे, तो कम से कम उस सिचुएशन से निपटने के लिए, उसको फेस करने के लिए आपका प्लान इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि आप कोई चेंज उसमें कर सको। जैसे स्कूल में क्या होता है, जैसे आपने प्रॉपर जो है, मान लीजिए सबका एक टाइम टेबल बना रखा है, ठीक है, सबको पता है किस टीचर को कहाँ पे क्या क्लास लेनी है। मान लीजिए अचानक से किसी टीचर के घर में कोई इमरजेंसी हो गई और उसको जाना पड़ जाए, तो आपको जगह, उस टीचर की जगह पे किसी ना किसी को तो भेजना पड़ेगा ना, या जहाँ जहाँ उस टीचर का जो जो एक्टिविटीज़ थी उनको कंप्लीट कराने के लिए कोई और टीचर आप भेजोगे। तो आपने तुरंत प्लान करा ना, कुछ करा। अगर आपका वो पूरा स्ट्रक्चर रिजिड होता तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता, है ना। देन अब हम बात करते हैं यहाँ पे एडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग की। अभी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने समझे, इतने सारे पॉइंट, अब हम प्लानिंग के कुछ फ़ायदे समझ लेते हैं। जैसे पहला है कि प्लानिंग फैसिलिटेट्स मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। जो पूरा मैनेजमेंट है, जो प्रबंधन है किसी भी स्कूल का या किसी भी संगठन का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, वो प्रॉपरली हो पाता है, ठीक है। जैसे क्यों? क्योंकि सबको अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स क्लियर होते हैं कि ये गोल्स हैं भाई, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं और इनको अचीव करने के लिए हमें आगे बढ़ना है। हम जितने भी एफर्ट करेंगे वो उस ऑब्जेक्टिव और उन गोल्स को ध्यान में रखते हुए ही हम करेंगे। तो एक प्रॉपर जो हमारे जितने भी एक्शंस होते हैं उनको एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में इनिशिएट कर पाते हैं। तो प्लानिंग जो है वो हर एक चीज़ का मैनेजमेंट सक्सेसफुली उसके थ्रू पॉसिबल हो पाता है। देन प्लानिंग मिनिमाइजेस अनसर्टेनिटीज़। प्लानिंग जो है वो जो अनसर्टेनिटी के जो चांसेस हैं उसको कम कर देता है। क्यों? क्योंकि हम तैयार होते हैं हर एक चीज़ के लिए, देर इज़ नो डाउट, देर इज़ क्लैरिटी ऑफ थिंग्स। यहाँ तक कि हम फ्यूचर को भी प्रिडिक्ट करके, ध्यान फ्यूचर को भी ध्यान में रखते हुए एक्शंस लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हम हर एक चीज़ के लिए खुद को प्रिपेयर रखते हैं। इवन हमारे पास कुछ सब्सटीट्यूट प्लान्स भी होते हैं कि भाई अगर इन केस कोई ऐसी घटना हो गई जिसके लिए हम नहीं तैयार थे, तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना है। तो कहीं ना कहीं जो अनसर्टेनिटी के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। प्लानिंग फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन। भाई कोऑर्डिनेशन का मतलब यहाँ पे क्या है कि प्लानिंग के थ्रू हम सबके एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट कर पाते हैं, जोड़ के चल पाते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली एवरीवन नो कि इवन दो सब अलग अलग काम कर रहे हैं, कर तो सब लोग एक ही गोल अचीव करने के लिए रहे हैं। भाई एक स्कूल में
मान लीजिए 10 टीचर भी हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 10 हैं, 20 टीचर हैं, कितने भी हैं, वो 20 टीचर अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, उनके अलग अलग अपने इंडिविजुअल गोल्स भी हो सकते हैं, बट अल्टीमेटली कर तो वो काम एक ही स्कूल के लिए रहे हैं और उस स्कूल की ग्रोथ के लिए रहे हैं, तो उनके एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करना, उनको जोड़ना प्लानिंग का काम होता है, ठीक है, क्योंकि वो सारे एक्शंस को उन गोल्स की तरफ मूव करता है जो हमें अचीव करने हैं, राइट। देन प्लानिंग इम्प्रूव्स एम्प्लॉयज़ मोराल, यानी जो यहाँ पे हमारा जो एम्प्लॉय है, ठीक है, यानी जो लोग काम कर रहे हैं उनका जो मोराल है वो हमेशा हाई रखा जाता है प्लानिंग के थ्रू। एक डिसिप्लिन, एक ऑर्डर का एटमॉस्फेयर पूरे ऑर्गेनाइजेशन में बना होता है, सबको पता होता है कि भाई हमें क्या करना है, हम किसको अकाउंटेबल हैं, ठीक है, हमारे क्या गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं। एम्प्लॉयज़ भी इनकरेज रहते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अगर वो अच्छा करेंगे तो उनकी एक अलग पहचान बनेगी, राइट। एक हेल्दी एटीट्यूड डेवलप हो पाता है, एक हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट डेवलप हो पाता है जो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेटेड रखता है। फिर वी हैव प्लानिंग हेल्प्स इन अचीविंग इकोनॉमीज़, बहुत बचत हम कर पाते हैं जब हम प्लान करके चलते हैं। जैसे आप देखिए, घरों में भी हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो जो बजट होता है प्रिपेयर करते हैं कि भाई इस महीने इतना बजट है, इस हिसाब से हमें खर्चे करने हैं, तो हम पहले से जब प्लान करते हैं ना कि हम इससे ज़्यादा खर्चे नहीं करेंगे, तो आप बचत कर पाते हो। वैसे ही जब स्कूल लेवल पे अगर आप बात करो तो इतने सारे रिसोर्सेज हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं जिनको आपको लेकर के चलना पड़ता है, तो वहाँ पे भी हमें सेव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ता है ना। तो जब आप प्लानिंग करते हो तो ना केवल आप अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ कर पाते हो, बल्कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनको सेव भी कर पाते हो, ठीक है। देन प्लानिंग फैसिलिटेट्स कंट्रोलिंग, प्लानिंग जो है कंट्रोलिंग भी मैनेज कर पाती। कैसे? क्योंकि जब आप प्लान करते हो तो आपको पता है कि भाई ये सारी चीज़ें ऐसे ऐसे होनी हैं, जब आप उसे इवैल्यूएट करोगे तो आप ये देख पाओगे कि अच्छा वो जो एक्टिविटीज़ हमारे प्लान के अकॉर्डिंग हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, अगर नहीं हो रही हैं तो क्यों नहीं हो रही, सारी चीज़ों को हम समझ पाते हैं, ठीक है। तो प्लानिंग के थ्रू कंट्रोलिंग का मतलब यहाँ मॉनिटरिंग से, कि आप देख सकते हो कि काम जो है वो कैसे हो रहा है, अकॉर्डिंग टू द सेट स्टैंडर्ड्स हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो आप कंट्रोल कर पाते हो सबके एक्शंस को। और इससे क्या होता है, किसी भी तरह का जो अनडिज़ायरेबल बिहेवियर या एटीट्यूड होता है या अननेसेसरी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको हटाया जा सकता है। ओके, नाउ प्लानिंग प्रोवाइड्स कॉम्पिटिटिव एज, प्लानिंग से क्या होता है, हेल्दी कॉम्पिटिशन की फीलिंग बनी रहती है। ओके, हेल्दी कॉम्पिटिशन से क्या होता है कि मतलब अपने आप को थोड़ा बेहतर दिखाने के लिए, अपने काम को अच्छा दिखाने की एक होड़ लगी रहती है, ठीक है। और प्लानिंग जो है वो बेस्ट, सब चाहे वो किसी का एफर्ट हो, कोई भी रिसोर्सेज हो, इट टेक्स आउट द बेस्ट फ्रॉम एवरीवन, सबसे जो है उनका बेस्ट ही वो प्लानिंग की हेल्प से हम निकाल के ला पाते हैं, ठीक है। देन प्लानिंग इनकरेजेस इनोवेशन, प्लानिंग जो है क्योंकि वो एक क्रिएटिव टास्क है, तो प्लानिंग से क्या होता है कि अलग अलग इनोवेटिव आइडियाज़ आपके सामने आ पाते हैं, इनोवेटिव आप हो पाते हो, क्रिएटिव हो पाते हो, ठीक है, रचनात्मक हो पाते हो आप, तो प्लानिंग कहीं ना कहीं आपके इनोवेशंस को भी इनकरेज करती है, राइट। नाउ वी विल बी स्टॉपिंग राइट ओवर हियर। तो प्लानिंग के आज इस वीडियो में, नियोजन के आज इस वीडियो में हमने क्या क्या समझा, हमने प्लानिंग के एडवांटेजेस यानी उसके फ़ायदे के बारे में और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में समझा। नाउ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स विल गिव यू अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ प्लानिंग, आपको ये जो विशेषताएं हमने अभी समझी हैं, जो पॉइंट्स हमने समझे हैं, इसकी हेल्प से आपको आपकी प्लानिंग या नियोजन के कॉन्सेप्ट का एक पूरा एक पिक्चर आपको देखने को मिल सकती है। तो इन पॉइंट्स के थ्रू आप समझ सकते हो कि प्लानिंग कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर एक टास्क, हर एक एक्टिविटी, एक दिन में हमें क्या क्या करना है, उन चीज़ों को जब हम प्लान करते हैं, तो आप सोचिए जब आप एक स्कूल लेवल पे, यानी एक इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे जब आप सोचो तो आपको कितनी सारी चीज़ें प्लान करनी पड़ेंगी, राइट। और हमेशा प्लानिंग करते रहना पड़ेगा, स्पेशली जब हम ऐसे समय में रह रहे हैं जहाँ पे हर एक गली में आप जाओगे तो आपको एक स्कूल मिल जाएगा। देर आर सो मैनी स्कूल्स, बहुत सारे स्कूल्स हैं, गार्जियंस के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, पर वो आपके स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन क्यों कराएं, उनके पास तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। नाउ यहीं पे आपकी प्लानिंग काम आती है, कि आप प्लान करके एक, अगर आप एक अच्छे से प्लानिंग कर पा रहे हो तो आप अपने स्कूल को बाकी स्कूल्स के कंपैरिजन में एक अलग इमेज अपनी क्रिएट कर पाओगे, ठीक है।
मान लीजिए अगर हमारी सोसाइटी में 50 स्कूल भी हैं, उन 50 में 5 स्कूल तो ऐसे होंगे जिनका बहुत नाम होगा, जिनके पीछे हर गार्जियन पड़ा होगा कि हमारे बच्चे का एडमिशन इस स्कूल में हो जाए। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि ये वो स्कूल्स हैं जो बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट हैं। और वो स्कूल बेस्ट क्यों है? क्योंकि दे हैव बीन डूइंग द प्रॉपर प्लानिंग फ्रॉम द बिगिनिंग। वो शुरुआत से ही एक प्रॉपर प्लानिंग करते हुए चले आ रहे हैं और उनकी प्लानिंग का ही नतीजा है कि वो बाकी सारे स्कूल से बेस्ट स्टैंड आउट करते हैं और अलग स्टैंड आउट करते हैं। ठीक है, तो प्लानिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमेशा जब तक आपका ऑर्गेनाइजेशन है तब तक आपको हर दिन प्लानिंग करनी पड़ेगी। ओके, सो दिस वॉज इट इन टूडेज वीडियो एंड आई होप आपको आज समझ में आया हो प्लानिंग के बारे में। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द फर्दर टॉपिक्स। ओके, थैंक यू क्लास।